हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कारटेक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्युंडई कंपनी की i20 का स्पोर्ट्स मॉडल की डिटेल वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और एक और बहुत ज़रूरी बात है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोस आपको कैसी लगती है, क्या चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या फिर क्या चीज़ें हैं जो बेस्ट होती है वीडियोस में। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलाइट i20 स्पोर्ट्स मॉडल की डिटेल वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ आप देख सकते हैं हेलोजन हेडलैम्प्स प्लस फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं और सेंटर में यहाँ ह्युंडई का लोगो है और साइड से यहाँ कार की हालत। हमारा ओनर ही ऐसा है, ठोकता रहता है यहाँ वहाँ। आते हैं इसकी टायर प्रोफाइल की ओर, तो ये है 185/70R14। यहाँ से अब हम चलते हैं कार की साइड प्रोफाइल की ओर। कार लुक वाइज तो अमेजिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ हमें ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और कोई साइड क्लैडिंग्स या फिर विंडो वाइजर्स वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया है उन्होंने भी, कंपनी की तरफ से वो सब नहीं मिलता। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं दिखाने के लिए, तो चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की ओर। बैक से आप कार का लुक देख सकते हैं। लुक वाइज तो कार अमेजिंग है। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमें LED टेल लैंप्स दिए हुए हैं। यहाँ कार का मॉडल दिया हुआ है स्पोर्ट्स, सेंटर में ह्युंडई का लोगो है i20 और यहाँ हमें पीछे रियर डिफॉगर्स दिए हुए हैं और एक एंटीना दिया हुआ है। अब आते हैं कार के बूट स्पेस की ओर। बूट स्पेस ठीक है, यहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। 300 लीटर हमें दिया हुआ है और यहाँ हमें पार्सल ट्रे भी दी हुई है जो कि रिमूवेबल है, आप रिमूव कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो। बैक प्रोफाइल के बाद अब हम चलते हैं कार के इंटीरियर फीचर्स की ओर। यहाँ हमें इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ह्युंडई का लोगो और ड्राइवर एयरबैग्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ हमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है और ये हमारे हेडलैम्प कंट्रोल्स और वाइपर कंट्रोल्स। यहाँ से आप देख सकते हैं हेडलैम्प बल्ब कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हमें म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ये नीचे AC कंट्रोल्स है। यहाँ कुछ स्पेस दिया हुआ है जहाँ हमने ग्लव्स रखे हुए हैं ओनर ने बाकी। और यहाँ USB कनेक्टिविटी, 12 वोल्ट चार्ज पॉइंट, ये सब देख सकते हैं आप। यहाँ स्पेस दिया हुआ है, आप अपने कप्स वगैरह या बॉटल्स आराम से रख सकते हैं। ड्राइवर हैंडरेस्ट भी है और इसमें भी हमें स्पेस दिया हुआ है, आप जो भी नेसेसिटी आइटम्स आप यहाँ रख सकते हैं इजीली। इसके बाद हम आते हैं, अगर यहाँ देखें तो हमें यहाँ हैलोजन बल्ब्स दिए हुए हैं और साथ में हमें यहाँ कुछ स्पेस और दिया हुआ है जहाँ आप अपने गॉगल्स वगैरह या जो भी चीज़ आप रखना चाहें वो रख सकते हैं आराम से। अब हम आते हैं ग्लव बॉक्स की ओर। भरा हुआ है, ओवरलोडेड किया हुआ है उन्होंने, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है इसमें। ठीक है, आप अपना सामान यहाँ कीप कर सकते हैं जो भी है। और आप यहाँ देख सकते हैं ड्राइवर साइड तो नहीं, यहाँ हमें एक वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है तो लड़कियाँ ये कार ना ले तो यूज करनी है आपके लिए।
यहाँ हमें ये ORVM कंट्रोल्स दिए हुए हैं और विंडो कंट्रोल्स है। यहाँ नीचे हमें बॉटल होल्डर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं रियर केबिन की ओर। ओके, यहाँ पे सामान रखे हुए हैं। जो कार के ओनर है भाई साहब, बहुत काम करते हैं लगता है। ये आप स्पेस देख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है, आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ हमें पीछे रियर एसी वेंट्स भी दिए हुए हैं जो नॉर्मली किसी कार में नहीं दिए जाते, और हेडरेस्ट भी यहाँ फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ हमें बॉटल होल्डर्स भी दिए हुए हैं और हमें यहाँ बैक साइड पे चाइल्ड लॉक भी दिया हुआ है जो कि सिर्फ की से ही ओपन या क्लोज हो सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये थे हमारे इंटीरियर फीचर्स इस कार के। ये कार का आपने फ्रंट लुक और बैक लुक दोनों देख लिया है। इस कार का हमारा फ्रंट और बैक लुक थोड़ा बहुत BMW से मिलता जुलता है, आप देख ही सकते हैं। लुक वाइज भी अमेजिंग है कार। तो ये थी हमारी आज की डिटेल वीडियो। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।